हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ आप सारे ठीक होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो यार, आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी आप लोगों को बताऊंगा, उससे पहले आज मैं पिथौरागढ़ में हूँ। पिथौरागढ़ में कैसे भर्ती के बाद डायरेक्ट, वो मैं आपको उसकी कहानी बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि 15 मई 2022 को मेरी उत्तराखंड पुलिस का फिजिकल था। सुबह 7 बजे से हम लोग वहीं थे और शाम के 8 बजे मैं घर पहुंचा पूरा फिजिकल देने के बाद। उसके बाद 10 बजे बस में बैठा रुद्रपुर से, 12 बजे टनकपुर पहुंचा। अगले दिन सुबह 7 बजे पिथौरागढ़ के लिए निकल रहा था, बस स्टेशन में 7 बजे पहुंचा था, बस मिली नहीं। तो उसके बाद फिर 2 बजे दिन के बस आई और बस में फिर 9:30 बजे पिथौरागढ़ पहुँचा हूँ। कल यानी कि 16 मई 2022 कल 9:30 बजे पिथौरागढ़ पहुँचा और आज हमारा एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है, यानी कि आखिरी एग्ज़ाम है हिंदी लैंग्वेज का। तो कुछ तो पढ़ा है नहीं, कुछ टाइम नहीं मिल पाया, कल थक गया था रात भर बिल्कुल और आँखें अभी भी झम्म हो रखी हैं बिल्कुल। अभी नहा धो के बिल्कुल छत में आया हूँ, आज देखते हैं क्या होता है, लेकिन कुछ ना कुछ बवाल जरूर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और हमारे साथ यहाँ भाई लोग हैं हमारे, राहुल भाई को बहुत मिस करा यार हमने, पापा जी। और राहुल भाई आज जा रहे हैं टनकपुर, कह रहे थे अब देखो कोई कन्फर्म नहीं है, पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर पेपर अच्छा गया तो नहीं जाएंगे, अगर गंदा गया तो तुरंत फाइनली एग्जाम देने के लिए हम सब निकल चुके हैं। और हमारे साथ राहुल भाई हैं, ये तो आपको आप जानते होंगे, मुकेश मेहता भैया हमारे, और हमारे मित्तु भाई। कल मित्तु भाई हमारे साथ ही आए हैं टनकपुर से पिथौरागढ़ को, हंसी नहीं मिली यार वहाँ ना। 7 बजे से मैं 2 बजे तक बैठा था और भाई आया था 11 बजे, 11 बजे से ये भी 2 बजे तक बैठा था। फिर हम वर्कशॉप गए तब जाके मेरी इतनी भीड़ हो रही थी ना, और लिटरली कह रहा हूँ कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, एक रत्ती नहीं पढ़ा, अभी खाली 2 मिनट बुक देख के आया बस हो गया। तीनों बंदों का फिजिकल 110 का। तो उत्तराखंड पुलिस का जो फिजिकल था उसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा मेरा। तो वहाँ मैं यही टोपी यही पहन के गया था, तो वहाँ सर लोग मेरे से पाजी पाजी कह रहे थे, बेटा पाजी उतारो करके कैप है, जिस टाइम हाइट वगैरह नाप रहे थे। तो उस लोग भी कह रहे थे पाजी तुम्हारा नंबर आ गया, आगे को जाओ करके। बट उन्हें क्या बताया, वो तो मैंने ऐसी बात ये करके रहेंगे खाली, मैं नॉर्मल, मेरे बाल लंबे हैं इसलिए मैंने बात रखी। और आगे से हमारे भाई लोग आ रहे हैं पुलिस पुलिस की तैयारी करके, बिल्कुल बढ़िया। बेटा एक बार हेलो कर देना सारे। यार लोंडो को पता ही नहीं है पेपर है। मुकेश भाई कह रहे हैं बोले मुझे पता ही नहीं है पेपर है नहीं है करके, खाली आ गए बोले पढ़ गए। और जो हमारी सीट है वो चेंज नहीं हुई है शायद, जहाँ पिछली बार लगी थी, अभी कोई प्रैक्टिस चली रही है सभी लोगों की, और यहाँ पे कोई भीड़ भीड़ लगी है बढ़िया। तो ये हमारा एडमिट कार्ड है, और यही एडमिट कार्ड हमारे मित्तु भाई भूल गए हैं। एक दादा लाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, एडमिट कार्ड भूले नहीं है एक्चुअली, वो दादा के वहीं छूट गया था, तो यहाँ पे वो जगह था लेके आए एडमिट कार्ड। तो फाइनली एडमिट कार्ड भी आ गया और जस्ट अब पेपर देने चलते हैं, और मिलते हैं आप लोगों को पेपर देने के बाद। तो फाइनली इस बार के हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम थे वो सारे कम्प्लीट हो गए, और हमारे पीछे जो भाई लोग हैं आ गए। भाई कैसा रहा फिर? और ये जो था ये भाई, इनका तो आज एग्जाम ही नहीं था, बढ़ गई ना डेट। और यहाँ हम लोग एकदम मुख्य भवन के एकदम सामने खड़े हैं, और पीछे जो है जो हमारे एनसीसी कैडेट हैं उनकी ट्रेनिंग चली है। तो सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चल रही है एनसीसी कैडेट जितने भी हैं उन सबकी ट्रेनिंग। यहाँ पे कुछ सारे भाई लोग हैं जो जो एग्जाम एग्जाम देके आ चुके हैं। हाँ चाचा ने तो पेपर दिया नहीं, लेकिन यहाँ फ्री फायर खेल रहे हैं। अच्छा हमको सिखा रहा है। तो फाइनली अभी कॉलेज के बाद हम लोग अपने ग्राउंड में आए थे यहाँ पे को अभी सबकी बॉल थ्रो की प्रैक्टिस चल रही है, और लंबी गुती प्रैक्टिस चल रही है। तो जैसा कि सामने आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे लॉन्ग जंप का है, तो वहाँ पे को अभी भीड़ लगी हुई है लंबी गुद का। यहाँ पे से राहुल और जो मित्तु भाई हैं वो बॉल थ्रो कर रहे हैं, और वहाँ से जो भाई लोग हैं वो बॉल थ्रो कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पे को गर्ल्स की भी चल रही है अपनी लंबी गुद, और यहाँ पे को भाई लोग अपना बॉल थ्रो की हल्का फुल्का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी 10:30 हो रहा है, वैसे तो क्या ही दिख रहा होगा 10:30 हो रहा है अभी भी, लेकिन लोग लगे हुए हैं दिन भर यहाँ पे, प्रैक्टिस वगैरह चलती रहती है क्योंकि पता है यार फिजिकल स्टार्ट हो चुका है, तो सब लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। तो अब घर जाने का टाइम आ चुका है, राहुल भाई का पेपर भी ठीक ही गया, वैसे नहीं जा रहे हैं अब घर, ये राहुल भाई ने मुझे बताया था। अभी ऐसा लग रहा है यार पिथौरागढ़ में भी अब धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो गई है। क्यों राहुल ब्रो, पसीना आ गए कहीं तड़। तो फाइनली अभी पहुंच गए हैं घर, और अभी कर रहे हैं नाश्ता, अब जाके कहीं ना कहीं रिलैक्स मिला यार, क्योंकि तो दोनों से टेंशन ही टेंशन हो रही थी, पहले एग्ज़ाम की टेंशन थी फिर फिजिकल की टेंशन थी। तो अभी फिजिकल और एग्ज़ाम जो है दोनों हो चुके हैं, अब बचा है तो थोड़ा असाइनमेंट का काम, थोड़ी चीज़ें और बची है। अब आपको जो व्लॉग्स हैं वो प्रॉपर देखने को मिलेंगे, बढ़िया देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे को आ गया हमारा नाश्ता बढ़िया से, मैंने अभी बनाया आम का जूस,
और ये है कद्दू की सब्जी, बढ़िया से दूध, और ये रोटी, और ये राहुल का मोबाइल। राहुल भाई बता दो तो जरा सीक्रेट नहीं। तो जल्दी से फिलहाल नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर एडिटिंग वगैरह भी करनी है। तो अभी आपका टाइम हो रहा है 3:30। तो यहाँ पे को खाना आया है बढ़िया भात, और ये क्या था यार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो अभी टाइम हो रहा है आपका 4:20। जो हमने अभी दिन में दाल खाई थी ना, वो दाल थी एक्चुअली अरहर को पीस के बनाई थी। वो मेरे को उस टाइम नाम नहीं याद आ रहा था, अभी मैंने बुआ से पूछा। और अभी यहाँ पे को शाम का टाइम है, तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। मैं पी रहा हूँ, राहुल तो पी नहीं रहा है। आपको राहुल ब्रो चाय नहीं पी रहे, बट मेरे लिए चाय आई है और राहुल भाई के लिए नमकीन आई है। चाय इसलिए नहीं आई क्योंकि राहुल भाई अभी जा रहे हैं फुटबॉल खेलने और फोन आ गया इनके दोस्त का। बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है यार, अभी बारिश आने लग गई हल्की हल्की फिर से। राहुल ब्रो चलें फिर। तो भी आया था मैं छत में, और अभी तक तो बारिश वारिश आने जैसा और था, बूंदाबांदी चली थी। इस टाइम राहुल फुटबॉल खेलने के लिए वहाँ फील्ड जा रहा था, बट अभी मैं छत में आया तो काफ़ी सही मौसम हो रहा है, मतलब हल्के हल्के हो रहे हैं बादल काले काले। वैसे तो मुश्किल ये कि आज बारिश आएगी करके, तो कुछ इस टाइप का हो रहा है आज का मौसम। वहाँ साइड साइड में हो रहे हैं काले काले बादल। अरे मेरी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है ना, हल्की फुल्की आदत है ये, फिर हल्का फुल्का निकलेगा, कभी अप्रॉक्स, कभी मतलब, कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जा रही है, मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अब से आदत ऐसी बनानी है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा रिपीट ना हो करके। और टनकपुर में तो बहुत गर्म हो रहा था यार, यहाँ तो फिर भी बहुत सही हो रहा है मौसम, ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा है, एकदम बढ़िया। कभी कभी लगता है कि यार व्लॉगिंग करना कितना आसान होता है करके, लेकिन यार उसके पीछे क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो तो फिर उसे ही पता होगा जो व्लॉग या यूट्यूब में वीडियोज़ वगैरह बनाता है। अब क्या बताएं यार क्या होता है करके, बड़ा अजीब हो जाता है कभी कभी, ऐसा डिप्रेशन, कभी इतनी टेंशन हो जाती है ना बहन, कभी बताएंगे आने वाले समय में पूरे। बट जो भी एक्सपीरियंस करा वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे कि आप लोग भी कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ें सीखने को मिले करके। तो यार मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ हो ना, आप किसी भी फील्ड में काम करो, अपना 100% दो। हम लोग पता है अपना 100% देते नहीं है किसी भी चीज़ में, हम सिर्फ देते हैं तो 40% 30% बस इतना ही रहता है, और फिर हम सोचते हैं यार हम उस चीज़ में निकल नहीं पा रहे हैं करके। अगर हम लोग किसी भी चीज़ में अपना 100% देंगे ना, पूरी किसी, वो शाहरुख खान सर का एक डायलॉग नहीं है, किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती। तो बस वही है, अपने फील्ड में लगे रहो और पूरी कोशिश करो उस चीज़ को करने की और पाने की, तो जरूर डेफिनेटली आप लोग सक्सेसफुल होगे। तो फाइनली अभी मैं छत से तो आ गया हूँ, और अभी जस्ट मैंने यहाँ पे को देखा, जहाँ पे को बुआ लोगों ने थोड़े फल फूल वगैरह लगाए थे, तो यहाँ पे कोई एक ब्रह्म कमल का पुष्प है जो ये सामने आप लोग देख रहे हैं व्हाइट कलर के, ये सब ब्रह्म कमल है जो कि अभी रात के टाइम पे ही खिलते हैं। ये 2, 3, 4 ये तो अभी खिले नहीं है, अदरवाइज के साथ साथ एक यहाँ पे भी खिल रखा है ये। तो मैंने जरा ब्रह्म कमल के बारे में पढ़ा था, इसकी वैसे टोटल प्रजातियाँ होती है 60, लेकिन उत्तराखंड में 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो अभी राहुल भाई भी हमारे साथ आ चुके हैं। तो अभी राहुल भाई और हमारा प्लान था कहीं ऐसे आगे तक जाने का, थोड़ा मैं छोटी मोटी पार्टी करा था राहुल भाई को। अब पार्टी किस बात की थी वो तो आपको अभी नहीं, आगे जाके पता चलेगा। तो जो ये ब्रह्म कमल का पुष्प होता है ना, ये बहुत सारी चीज़ों में भी काम आता है, जैसे कोई जानलेवा बीमारियाँ होती है तो औषधि के रूप में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं तो अभी थोड़ा बहुत नेट में देखा था, तो तब मैंने आप लोग को बताया। तो अभी चलते हैं, राहुल ब्रो बगल में पढ़ रहे हैं शायद, अरे ये तो पढ़ ही रहे हैं, देख रहा हूँ आज जो पेपर में आया था वो देख रहा है। भाई ने मुझे सुबह बताया कि यार मैंने कल जो पढ़ रहा था वही आया, बोले। तो गाइस घर से तो हम निकल गए हैं, अब कुछ पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं करके, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाएंगे। पहले हम सोचे थे कि काठी रोल चिकन रोल खाने के लिए जाते हैं, बट फिर हमारा प्लान हुआ कि गोलगप्पे खाएंगे। अब गोलगप्पे वाले भैया ने भी बंद कर दी शॉप, अब देखते हैं क्या खाते हैं करके। हम लोग यहाँ पे गए, ये पुराना स्टैफर्ड स्कूल है, बट यहाँ पे को अल्फा कोचिंग चलती है आजकल, और उसके सामने यहाँ पे कोई मुंशारी रेस्टोरेंट का भी छोटा सा खुला है। तो अभी यहाँ चलते देखते हैं क्या है करके खाने आने। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो दागे मतलब कुछ था नहीं, वैसे ऑलमोस्ट खत्म होने लगे। अभी फिलहाल हम लोग लिंक रोड से आ गए थे, और ये है बग्याल रेस्टोरेंट। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ हुआ खाने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ आए थे जहाँ पे वो रेस्टोरेंट है। दादा ये दुकान का नाम क्या था? बंग्याल डिशल रेस्टोरेंट। बंग्याल, बंग्याल रेस्टोरेंट करके था। तो हमने यहाँ पे अंडा का ऑर्डर, चाउमीन का ऑर्डर दिया, तो चाउमीन आ चुकी है।
तो ये रही अंडर वाटर वाली चाउमीन और उसके साथ सूप। ये सूप डेफिनेटली मिलता है यार हमेशा। और आगे बढ़िया गाने चल रहे हैं, वेलकम सूप। अच्छा तो दादा बोल रहे हैं यहाँ पे ये है वेलकम सूप, तो आप जब भी कोई भी ऑर्डर देंगे तो उससे पहले आपको ये वेलकम सूप जरूर मिलेगा। तो अभी टाइम हो रहा है आपका 10:15 और अभी टाइम है हमारा शाम का, रात का खाना खाने का। और अभी हम लोग वहाँ से आ गए थे रेस्टोरेंट से, यहाँ पे कुराली ब्रो रोटियों में घी लगाते हुए बिल्कुल बढ़िया से। तो आज रात को खाने में बना है बढ़िया से आलू की सब्जी बिल्कुल तरी वाली और रोटी यहाँ पे को, और मेरे लिए वही हल्दी वाला दूध, और राहुल ब्रो के लिए यहाँ पे को बढ़िया से घी वाली रोटी। घी वाली रोटी मैं इसलिए नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मेरे हो रही है गले में दर्द। A few moments later. तो वैसे मैंने भी लगा ली घी यार, मैं भी नहीं रह पाया बिना घी के बड़ी।